अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हबीब रहमान बेग। टीयर वन सोलर पैनल प्राइसेस इन पाकिस्तान। अगर आप टीयर वन कैटेगरी ए ग्रेड के डॉक्यूमेंट सोलर पैनल लेना चाहते हैं और वो भी इस तारीख को, होती है आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखने लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आपको सोलर से रिलेटेड हर तरह की वीडियो आपके मोबाइल के ऊपर मिल जाए करें। आप उसको देख के अच्छे रेट्स के ऊपर एक नंबर सोलर पैनल खरीद लें जो कि टीयर वन कैटेगरीज के हैं। टीयर वन कैटेगरी का फायदा यह कि 25 से 30 साल तक उसकी लाइफ होती है, वो आपको 25 से 30 साल तक फ्री बिजली बनाकर देंगे। शुरू में 2 से 3 साल का खर्चा आपको देना पड़ेगा, यानी कि जो सोलर पैनल की जो कॉस्ट है ना, वो 2 से 3 साल में आपकी पूरी हो जाएगी, बाकी पूरी जिंदगी आपको फ्री में बिजली मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि बिजली चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो पैदा होती है वो ज्यादातर फर्नेस ऑयल से पैदा होती है या कोयले से पैदा होती है, जो कि बहुत ही महंगे रेट्स के ऊपर बिजली मिलती है। तो वो चूंकि 50 रुपए यूनिट के हिसाब से तकरीबन सारे टैक्सेस टूक्सेस मिला के पड़ता है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूं लोगों को कि आप तमाम लोग अपने घरों की छतों के ऊपर सोलर पैनल लगवाएं, किसी भी बंदे से लगवाएं, किसी भी इंस्टॉलर से लगवाएं, कहीं से भी लें, चाहे कराची से लें, इस्लामाबाद से लें, फैसलाबाद से लें, गुजरावाला से लें, जहां से मर्जी लें, जो भी आपको अच्छा आदमी नजर आता है जो आपको ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल देता है। अब डॉक्यूमेंटेड की पहचान ये है कि जो पेपर्स हैं उसके साथ सारे होंगे, टेस्ट रिपोर्ट्स होंगी, बार कोड का जो पेज होगा जो एक पैलेट के ऊपर लगा होता है, पैलेट यानी बक्सा जिसके अंदर 31 पैनल होते हैं, उसके ऊपर 31 पैनल का एक पेज होता है जिसके ऊपर बार कोड लिखे होते हैं। आपने वो बार कोड वाला पेज लेना है, उसको वेरीफाई करना है उनकी वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट पे जाके आप जब उसको बार कोड को लिखेंगे तो उधर बताया जाएगा कि ये सोलर पैनल 550 वाट का है, 575 वाट का, 580 वाट का, फिर ये भी लिखा जाएगा कि ये टीयर वन का है, ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है या सी ग्रेड का है, इसके अंदर वाट्स कितने हैं, इसके अंदर एम्पीयर्स कितने हैं, इसकी वोल्टेज कितनी है, सारा कुछ उसमें बताया जाएगा। फिर वो ये भी बताया जाएगा कि ये कब उधर से डिस्पैच हुआ था चाइना से और कब ये कराची पोर्ट पहुंचा था, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उसके देखने हैं। फिर आपने उससे कागज में भी लिखवाना है वारंटी कार्ड के तौर पे कि उसकी वारंटी होगी उस बंदे की। सिर्फ जुबान की गारंटी पे यकीन नहीं करना, क्योंकि जुबान अगर आप ले जाना किसी बैंक वाले के पास या किसी के पास भी, आप कह दीजिए जुबान मेरी रख ले और इसके बदले 1 करोड़ रुपया दे दें, तो बैंक वाला आपको कभी भी नहीं देगा। तो सिर्फ जुबान की गारंटी का कोई फायदा नहीं है। आपने जब भी करना है, हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जब भी कोई एग्रीमेंट करें तो हम लिख लें, लिखने का एग्रीमेंट है। और दूसरा, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि जब कोई फासिक तो तुम्हारे पास खबर लेके आया तो उसकी अच्छे तरीके से तस्दीक किया करो। तस्दीक करने का हमें हुक्म है कुरान के मुताबिक, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया सूरह हुजरात में। और इसी तरह ये जो दूसरी मैंने आपको चीज बताई थी, आप वेरिफिकेशन करें, ठीक है जी। अब आप आ जाएं जी सोलर पैनल्स की प्राइसेस की तरफ। जिंको का जो सोलर पैनल है उसमें दो तरह के सोलर पैनल आते हैं, एक जिंको पी टाइप है और एक जिंको एन टाइप है। पी टाइप जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली कम है एन टाइप के नस्बत, तो एन टाइप चूंकि नई टेक्नोलॉजी है और उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है। एन टाइप के अंदर भी डबल ग्लास भी आता है, सिंगल ग्लास भी आता है। डबल ग्लास ज्यादा बिजली पैदा करता है, सिंगल ग्लास कम बिजली पैदा करता है, यानी दोनों तरफ से बिजली पैदा होती है। और इसका डबल ग्लास को बाईफेशियल भी बोलते हैं और सिंगल ग्लास को मोनोफेशियल बोलते हैं। और पी, अगर आप आ जाए जिंको के पी टाइप में, तो उसकी आज की कीमत है 37 रुपए पर वाट, और जिंको का जो एन टाइप है डबल ग्लास वाला, वो आपको मिलेगा 40 रुपीज पर वाट, 40 रुपए पर वाट। अगले एक महीने बाद प्राइसेस गिर के 30 रुपए वाट हो जाए तो आप मुझे बुरा ना कहिएगा, क्योंकि पिछले 7-8 महीनों से मैं वीडियोस बना के आपको बता रहा हूं कि प्राइसेस जो है वो नीचे आती जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि उनके पास बेतहाशा प्रोडक्शन हो चुकी है। चाइना ने अमेरिका के लिए और ये जो यूरोप और इंडिया के लिए बेतहाशा सोलर पैनल बनाए थे चाइना ने, और उनकी फैक्ट्रीज धड़ाधड़ सोलर पैनल बना रही थी, करोड़ों सोलर पैनल बना के उन्होंने रखे हुए हैं, और अब उनके बिक नहीं रहे क्योंकि अमेरिका वालों ने, यूरोप वालों ने और हत्ता के इंडिया वालों ने अपनी फैक्ट्रीज लगा ली। इंडिया के अंदर सोलर सेल्स बन रहे हैं, सोलर सेल्स आपको पता ही है ये रेत से बनते हैं, ये जो रेत की ट्राली, पूरी पूरी ट्राली आप 200 क्यूबिक फुट की ट्राली ले ना, 8-9 हजार रुपए की मिल जाती है आपको। 8-9 हजार रुपए की ट्राली से आप चाहे 200 सोलर पैनल या 300 सोलर पैनल बना रहे, तो 8,000 रुपए में आपके 200 सोलर पैनल बन सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करें, सोलर सेल्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करें, उसका कंप्लीट उसका जो स्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान में बहुत सस्ता सा बन जाता है, इतना महंगा नहीं है। ये तो अभी भी हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि फ्यूचर में इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बने, जैसे इंडिया वाले को उनसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए, वो अगर बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। इंडिया के अंदर आप देख लें कितनी मोटरवेज वो बन रही है जल्दी जल्दी, और हमारे भी वैसे तो हमारे कंट्री में सबसे पहले मोटरवे बनी है, और अब इंडिया वाले भी एक्सप्रेस वेज और फ्री वेज और इस तरह की चीजें बना रहे हैं। तो इट इज गुड कि ये जो एशिया के अंदर भी अब तरक्की हो रही है, एशिया में चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, इसके अंदर बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है। यूरोप में तो आज से 100 साल पहले तरक्की हो चुकी है, वहां पे हर शहर के नीचे से अंडरग्राउंड मेट्रोज गुजर रही है। अच्छा, अब आ जाए जी, अगर आपने अपने घर की छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाना है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है आप कौन से शहर से बात करें, और आपके जुलाई के महीने में पिछले साल जो जुलाई का बिल आया था उसमें कितने यूनिट्स आपको आए थे। पिछले साल अगर आपको 600 यूनिट आए थे तो इस साल भी आपको 600 से 700 यूनिट ही बिल में आएंगे, और आपका बिल 50-60 हजार रुपये आएगा। उससे बेहतर है कि आप 6 किलो वाट का या 7 किलो वाट का
सोलर सिस्टम लगवा लें, 6 या 7 किलोवाट का आप सोलर सिस्टम लगवाएंगे, 6-7 लाख रुपए का आपका लग जाएगा और 25 से 30 साल के लिए आपको बिजली के बिलों से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज लोनजी। लोनजी एक बहुत जबरदस्त कंपनी है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा लाइक की जाने वाली कंपनी है लोनजी। लोनजी को लोंगी भी कुछ लोग बोलते हैं, इवन चाइना के अंदर भी कुछ लोग लोनजी बोलते हैं, कुछ लोग लोंगी बोलते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ए ग्रेड का टीयर वन कैटेगरी के सोलर पैनल बनाते हैं। इसके डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल लोंगी हाइमो 5, लोंगी हाइमो 6 और लोंगी हाइमो 7। लोंगी हाइमो 5 आपको 41 रुपीज में मिलेगा और लोंगी हाइमो 6 बाईफेशियल यानी डबल क्लास आपको 42 रुपीज पर वाट मिलेगा और लोंगी का हाइमो 7 डबल क्लास बाईफेशियल आपको मिलेगा 44 रुपीज पर वाट। अगले एक महीने में गिर के 34-35 तक भी आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपको पता है हर चीज या बढ़ती है या कम होती है। गंदम आपको पता है पिछले साल बहुत ज्यादा महंगी थी, इस साल बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है, तो चीजें सस्ती भी हो जाती होती है। कुकिंग ऑयल आप देख लें, पिछले साल 700 रुपए का किलो था, अब ये 500 रुपए किलो मिल रहा है जो ए ग्रेड का कुकिंग ऑयल है। सिमिलरली सोलर पैनल्स भी नीचे आ रहे हैं। ट्रीना का जो सोलर पैनल है 580 वाट का, वो आपको मिलेगा 44 रुपीज पर वाट एन टाइप वाला। और क्यू सेल का जो सोलर पैनल एन टाइप के अंदर अवेलेबल है, 625 वाट के अंदर अवेलेबल है, वो है 42 रुपीज पर वाट। ट्रीना का जो 580 वाट का पी टाइप का सोलर पैनल है वो आपको मिलेगा 39 रुपीज पर वाट। फिर जे ए सोलर एक बहुत अच्छी कंपनी है, ये एक तो इनका माल बहुत अच्छा होता है कंपैरेटिवली और प्लस प्राइस बहुत मुनासिब होती है, प्राइस अच्छी होती है, कम प्राइस होती है। आपके कम बजट वाले लोग अच्छी चीजें लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेड चीज लेना चाहते हैं, 25 से 30 साल वारंटी वाली चीज लेना चाहते हैं और टीयर वन की सोलर पैनल लेना चाहते हैं, तो आप जे ए के सोलर पैनल ले लें, चाहे आप पी टाइप पे ले लें। पी टाइप में आपको 575 वाट मिल जाते हैं, 545 वाट मिल जाते हैं, 615 वाट भी मिल जाते हैं, 650 वाट भी मिल जाते हैं, बल्कि आप तो नए 750 वाट के भी जे ए के सोलर पैनल पी टाइप में आपको अवेलेबल हैं, जो कि 137 रुपीज पर वाट है। फिर आ जाए जे ए के एन टाइप, जे ए के एन टाइप के सोलर पैनल इस वक्त मार्केट में जो अवेलेबल है वो 575 वाट से लेके 610 वाट तक के मार्केट में कराची, इस्लामाबाद, पिशावर, मुल्तान और डीजी खान में और लैया में आपको इजिली मिल जाएंगे। वहां पर डिफरेंट डीलर्स हैं, अगर आपने लेना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो आई कैन टेल यू कि आपके एरिया में कौन सा अच्छा डीलर है। बस आपने ये ज़हन में रखना है कि बारकोड को वेरीफाई करना है, उसके टेस्ट रिपोर्ट्स को वेरीफाई करना है आपने, बाकी तमाम चीजें उनको सोलर पैनल एक एक सोलर पैनल को बाहर निकाल के आपने चेक करना है, कहीं से सोलर पैनल टूटा तो नहीं हुआ। फिर आपने उसके अंपेयर भी चेक करवाने हैं, किसी बिजली वाले को बुला के अपना बिजली वाला साल ले जाए 1500 दे के उसे कहें एक एक सोलर पैनल को और इन्वर्टर को चेक भी कर लो अंपेयर मीटर पर। और एक और चीज आपने देखनी है कि सोलर पैनल इंस्टॉलर जो है वो और जो जिस दुकान से आप सोलर पैनल ले रहे हैं आपस में कोई साजबाज तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं है वो कमीशन आपस में मुका रहे हो, ऐसे कोई इशारा कर रहे हो 2 या 3 करके, इसका मतलब है कि वो उससे रिश्वत मांगने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपने नहीं देनी उसको रिश्वत। अगला है जी कैनेडियन सोलर। कैनेडियन सोलर जो है उसका टॉप कॉन टेक्नोलॉजी का 575 वाट का जो सोलर पैनल है आज के दिन में आपको मिलेगा 42 रुपीज पर वाट। ठीक है जी, 42 रुपीज पर वाट आपको मिलेगा। मेरे और भी सोलर पैनल्स के ऊपर वीडियोस हैं, जैसे एक एसी अगर आपके पास है, एक फ्रिज है आपके पास, 5 आपके पास पंखे हैं या 4 पंखे हैं, तो उसके लिए आपको 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम चाहिए। इसी तरह अगर आपके पास 2 एसी है, 5 पंखे हैं, 10 लाइटें हैं, एक फ्रिज है, एक पानी की मोटर है, तो आपको 5 किलोवाट से लेकर 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम चाहिए। इस तरह के डिफरेंट मैंने सोलर पैनल्स के ऊपर, सोलर सिस्टम्स के ऊपर वीडियोस बनाए हुए ए ग्रेड के टीयर वन कैटेगरीज वाले, तो वो आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट के अंदर, मैंने डिफरेंट वीडियोस दिए हुए आप सारे देखें। इसमें 1 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक के डिफरेंट जो सोलर पैनल सिस्टम्स होते हैं। फिर अगर आप इंडस्ट्री के वाले से देखें तो 15 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम्स लोग लगवा रहे हैं अपनी अपनी फैक्ट्रीज की छतों के ऊपर। और मैं भी रिकमेंड यही करूंगा कि तमाम फैक्ट्री वालों को चाहिए कि हैवी बिलों से निजात के लिए अपनी फैक्ट्री के अंदर सोलर का सिस्टम लगवा लें और टीयर वन सोलर पैनल प्राइसेस से अपडेट रहे। मेरे वीडियोस आप देखेंगे या और भी लोग जो सोलर के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं उनके वीडियोस भी देखें, मेरे सोलर पैनल के ऊपर वीडियो देखें, क्योंकि मैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं पाकिस्तान की मार्केट से, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, हत्ता के चाइना की जो मार्केट है, चाइना में इसमें क्या रेट चल रहे हैं, मतलब डॉलर टर्म्स में। मुख्तलिफ वेबसाइट्स आप देख सकते हैं, अगर आप गूगल पे जाके चेक करें कि 575 वाट यानी 575 वाट सोलर पैनल प्राइसेस इन चाइना, अगर आप लिखेंगे तो आपके आपके सामने को 10 वेबसाइटें खुल जाएंगी, उन वेबसाइटों से जाके आप रेट पता कर सकते हैं और वो जो रेट दिया हुआ है उससे भी सस्ता आपको मिल सकता है। फर्स्ट ये उन्होंने रेट दिया ना 11 सेंट पर वाट, जो कि पाकिस्तानी 33 रुपए या 32 रुपए पर वाट पड़ता है, अगर आप उससे ज्यादा माल खरीदेंगे तो आपको इससे भी सस्ता पड़ जाएगा। दूसरी चीज एक और है, अगर आप बी ग्रेड का माल खरीद लेंगे तो वो आपको आधी कीमत में मिल जाएगा। अक्सर पाकिस्तान में जो दुकानदार हैं वो आपको बी ग्रेड का माल दे रहे हैं, यानी असल में हमने 15 रुपए वाट खरीदा होता है और आपको वो 50 रुपए वाट दे रहे होते हैं आज के दिन में भी। और पिछले साल क्या हो रहा था कि बी ग्रेड माल जो उनको 50 रुपए वाट मिल रहा था वो आगे 100 रुपए या 150 रुपए वाट दे रहे थे। ठीक है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।